हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज का वीडियो है एमएस वर्ड में टेबल का उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन है। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का है टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट मेनू में टेबल का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए कि कुछ कॉलम और रो पहले से सेट किया हुआ है जिसका डिजिट हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 10/8 है। अगर इसे हम लोग को ज़्यादा इंसर्ट करना है तो फिर इंसर्ट टेबल में आना है और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम चाहिए आपको, 10, 20, 30 जितना भी चाहिए उतना आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ रो कितना चाहिए तो वो भी आपको जितना चाहिए वो टाइप कर लेना है और ओके कर देना है। देखिए कि 4/5 रो कॉलम हम लोग का इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि वीडियो को हम 5 से 6 बार बना चुके हैं लेकिन यहाँ पे पीटी तो दिखाई देता है, यानी आउटलाइन तो दिखाई देता है लेकिन वीडियो में रिमूव हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो कम है। तो सबसे पहला हम लोग इसी को देखते हैं कि इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए कि पीटी का ऑप्शन है, जो लाइन का पीटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है और यहाँ से पीटी को क्या कर लेना है तो बढ़ा लेना है, ये देखिए। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो पीटी है टेबल को यूज़ करने से पहले हम लोग को चेंज करना होता है, लेकिन अभी हम लोग टेबल क्रिएट कर चुके हैं तो देखिए कि हम लोग के सामने पेंसिल का आइकन ऐड हो गया, यानी ड्रा करने के लिए। तो हम लोग ड्रा ना करके इसमें बॉर्डर्स भी अप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इसमें आना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। देखिए कि हमारा आउटलाइन चेंज हो चुका है।